पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना में अनेकों प्रयास और कार्यक्रम सहित कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। इसके लिए पानी की खेती भी की जा सकती है। यह शब्द जरा अटपटा लगा होगा, लेकिन हम बता दें कि पानी की खेती से तात्पर्य जल संरक्षण से है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले में अभिनव कार्य किया जा रहा है और इन कार्यों को संपन्न कराने के लिए जिला पंचायत जरिया बना हुआ है। जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए सागर जिला प्रशासन ने मानसून के आने के पहले ही जल संरक्षण के कार्यों पर जोर देना शुरू कर दिया। बारिश के पानी को जो बहकर नदियों के माध्यम से व्यर्थ चला जाता है, उसे संरक्षित करने के लिए जिला पंचायत ने पहाड़ों पर कंटूर ट्रेंच फॉर्मूला अपनाया है, जिसके तहत जिले के कई विशाल पहाड़ी क्षेत्रों को चयनित किया गया है। सागर जिले में लगभग 65 ग्राम पंचायतों में कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनमें बारिश का पानी बहने के बजाय सीधे इन तमाम गड्ढों में भरता जाता है और इसके बाद ओवरफ्लो होने पर वह बगल के दूसरे गड्ढों में भर जाता है। इन गड्ढों के बाद पहाड़ के नीचे की ओर कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं। ओवरफ्लो होने पर यह पूरा जल इन तालाबों में भर जाता है, जिससे पानी जरा भी व्यर्थ ना होते हुए गड्ढों और तालाब के माध्यम से पूरी तरह जमीन में सोख लेता है। जिला पंचायत द्वारा बंजर जमीनों को इन गड्ढों के लिए चुना गया है। अगर इन गड्ढों में जल संरक्षण के साथ ही किए गए पौधरोपण सफल हुए तो कुछ समय बाद यह सारे क्षेत्र हरे भरे और उपजाऊ हो जाएंगे। सागर जिले में एक अभिनव पहल हुई है, जिसे हम जल की खेती कह सकते हैं। आपको सुनने में जरूर आश्चर्यजनक लगे थोड़ा सा, लेकिन आप पीछे जो देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ पर गड्ढे खोदे हुए हैं जिनको कंट्रोल ट्रेंच बोलते हैं। क्या है ये कंट्रोल ट्रेंच और किस तरह से ये जल संरक्षण को लेकर काम करता है, हमारे साथ एपीओ हैं केसली ब्लॉक के प्रशांत लोधी जी। प्रशांत जी, क्या है ये कंट्रोल ट्रेंच, किस तरह से उपयोगी? कंट्रोल ट्रेंच जो मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, इससे 3 से 5 साल तक जल संरक्षण होगा और इसमें भूमि स्तर का जल स्तर मतलब हर साल दर साल बढ़ेगा और एक बार पानी इस मतलब कंटू ट्रेंच में भरेगा तो लगभग 200 से 300 लीटर तक पानी, तो जैसे 5 पानी गिरे 10 गिरे तो पूरा भूमि में जाएगा। ये पूरे बंजर जमीन थी अभी उपजाऊ हो जाएगी। तो ये काम कैसे का? पानी भर जाता है तो बार बार इसमें पानी भरेगा इसमें, जैसे अभी आप तुरंत देखो इसमें 2 बार पानी भर गया और नीचे चला गया, और जब भी बारिश होती तो पूरी खंती लबा बिल्कुल ऐसा लगता है जल ही जल है, फिर उसमें पानी नीचे चला जाता है। केसली ब्लॉक में लगभग कितने ये फील्ड पॉन्ड और ये खंती खोदी? ये कंटू ट्रेंच का काम हो रहा है 12-13 पंचायत में और फील्ड पॉन्ड लगभग 60 से 70 हैं, 20 बड़े तालाब बने हैं और 20 स्टाफ डैम बन गए इसी सीजन में, और 60 से 70 खेत तालाब भी होगा। जल संरक्षण पूरे ब्लॉक में उच्च स्तर पर काम हुआ है। तो यह है प्रशांत लोधी, जिस तरह से बता रहे हैं कि फील्ड पॉइंट में पानी भरता है एक बार में 200 लीटर, यहाँ पे हजारों की संख्या में ये जो कंट्रोल ट्रेंच बने हुए हैं और इनका पानी तालाब में जाएगा, और कुल मिला के एक जो सोच है, एक विजन है कि ये जो बंजर हजारों एकड़ बंजर जमीन है ये उपजाऊ हो जाएगी, यहाँ पर फल फूल और इस तरह के पौधे हो सकेंगे। ईटीवी भारत के लिए सागर से मनीष तिवारी।